और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। चलिए, बड़ी खुशी की बात ये है कि आज 9 जून को यूपीपीसीएस का भी नोटिफिकेशन आ गया है। यानी यूपीपीसीएस ने जो कुछ दिनों पहले ही अपने 21 जून को लेने वाले पीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया था, उसकी डेट बहुत जल्द ही आ गई है। और अब पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को होने जा रही है। जैसा कि कुछ ही दिन पहले 5 जून को आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा की डेट डिक्लेयर हुई थी और वो 4 अक्टूबर को है। तो एक बार फिर से ये अच्छा मौका है कि आप आईएएस और पीसीएस दोनों की तैयारी को एक साथ कर सकेंगे। इसके पहले भी यही बात थी कि मई में आईएएस का एग्ज़ाम था और जून में पीसीएस का एग्ज़ाम था, तो दोनों की तैयारी स्टूडेंट साथ साथ कर रहे थे। तो एक बार फिर से आपको मौका मिल गया है। लगभग अभी भी हम लोगों के पास 4 महीने हैं और 4 महीने में हम अच्छी तरीके से आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा दोनों को तैयार कर सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपना एक लाइव वीडियो भी किया था आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा पर, उसको आप जा करके नीचे दिए गए लिंक पर देख सकते हैं, जिसका नाम मैंने दिया था आईएएस प्री 2020 स्ट्रेटजी, उसको देख सकते हैं। कुछ ही दिनों में मैं पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा पर भी एक लाइव क्लास लूँगा और अपनी सारी स्ट्रेटजी को आपसे शेयर करूँगा। चलिए, इस इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ कौन कौन से परीक्षाओं का कैलेंडर घोषित किया जा चुका है। फिलहाल जो हमारे काम की परीक्षाएं हैं उसको ध्यान से समझ लेते हैं और अपनी तैयारी को शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं, यूपीपीसीएस 2019 यानी यूपीपीसीएस का जो प्री हो चुका था और प्री का रिजल्ट भी आ चुका है, तो उसकी मेंस की परीक्षा जो अप्रैल में होने वाली थी अब उसकी डेट हो गई है 25 जुलाई। यानी यूपीपीसीएस 2019 की मुख्य परीक्षा 25 जुलाई को होगी, इस बात को ध्यान से याद रखिए। तो जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हैं वो मेरी ऑनलाइन क्लासेस से मुख्य परीक्षा के लिए जीएस थर्ड पेपर का कंप्लीट टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उनके लिए अलग से क्लास चलाऊंगा मुख्य परीक्षा के लिए, जिसको आप ऑनलाइन देख सकते हैं। हालांकि बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी, जैसा कि ना तो मैं पढ़ाता हूँ और ना मेरे यहाँ ऐसी कोई क्लासेस चलती हैं, लेकिन चूंकि बीईओ बहुत चर्चा में था इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैंने यहाँ बीईओ प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की डेट बता दिया है 16 अगस्त। यानी यूपीपीसीएस ने जो डेट डिसाइड किया है बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा की वो है 16 अगस्त और मुख्य परीक्षा की डेट 6 दिसंबर है। यानी बीईओ का मेन 6 दिसंबर को होगा जबकि बीईओ की प्रारंभिक परीक्षा 16 अगस्त को होगी। आरओ यानी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी, ये भी बहुत अवेटेड एग्ज़ाम है। 2016 का आरओ और 2016 का एआरओ का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा 13 सितंबर को और इसकी मुख्य परीक्षा होगी 22 दिसंबर को। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको आरओ एआरओ देना होगा उनके पास भी पर्याप्त समय है, और आरओ एआरओ के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे, सर इसका कुछ टेस्ट वगैरह करवा दीजिए। तो इसका एक मॉक टेस्ट रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन तरीके से। तो 13 सितंबर को आरओ एआरओ का एग्ज़ाम प्रीलिम्स का होगा और मेंस का एग्ज़ाम होगा 22 दिसंबर को। यूपीपीसीएस जो सबसे ज़्यादा हम लोगों के लिए प्रतीक्षित है वो है यूपीपीसीएस। यानी यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम प्रीलिम्स और मेंस, तो प्रीलिम्स की डेट क्या है? प्रीलिम्स होगा 11 अक्टूबर को, 11/10/2020 को प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, और फिर मेंस में भी काफ़ी अच्छा समय मिल जाएगा और आपको 22 जनवरी यानी 22/01/2021 यानी 22 जनवरी 2021 से इसकी प्रारंभिक परीक्षा शुरू हो जाएगी। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि आईएएस की प्रारंभिक परीक्षा 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही थी और उसका मेंस 8 जनवरी से स्टार्ट हो रहा था, तो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को है और इसका मेंस 22 जनवरी से है। तो दोनों में कोई क्लैश नहीं है, आप आराम से आईएएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और पीसीएस का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। चलिए इसके आगे समझते हैं। अगर हम लोग स्ट्रेटेजिक बात करें, जैसे हमने बताया कि हम जल्द ही पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के एक लाइव सेशन करेंगे। जल्दी ही का मतलब आने वाले 2 से 4 दिनों के अंदर, यानी आप 2 से 4 दिन के अंदर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा और आपको बता देंगे कि हम लाइव कब आ रहे हैं। तो और जो क्लासेस होंगी ऑल क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही चलेंगी, क्योंकि अभी कोविड-19 लगातार चल ही रहा है,
कोविड-19 पेंडेमिक अभी खतरे से बाहर नहीं है, केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि आयोग ने तो अपनी डेट अनाउंस कर दी है, तो जैसा लगता है कि आने वाले 1-2 महीने के बाद चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, लेकिन 1-2 महीना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि टोटल आपके पास 4 महीने हैं। अगर 4 महीने में से 1-2 महीने निकल गए, तो फिर 2 महीने में बहुत कुछ नहीं होने वाला है। वैसे भी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई प्रभावित हुई है, और इस प्रभावित पढ़ाई की क्षतिपूर्ति करने के लिए हमें अभी से ही जुटना पड़ेगा। इसलिए मैं इस वीडियो को आज ही आपके सामने अपलोड कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट्स वास्तव में PCS की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिंसियर हैं, IAS की प्रारंभिक परीक्षा के लिए सिंसियर हैं, वो आज ही से जुड़ जाएं, आज ही से मेहनत करना शुरू कर दें। जो भी चीज़ें अभी तक नहीं पढ़ रहे थे, वो आज से अपनी क्लासेस लेना शुरू कर दें, और बहुत जल्दी ही मेरी सारी चीज़ें आपको एक व्यवस्थित क्रम में आपको मिल जाएंगी। तो चलिए हम लोग स्ट्रेटेजी बात करते हैं। तो पहले हम लोग लाइव आएंगे, तो लाइव आकर के मैं सारी चीज़ों को एक बार फिर से डिस्कस करूँगा कि कैसे कैसे क्या क्या होंगी, और उसमें हम लोग UPPCS मेंस की बात करेंगे, यानी जिनको मुख्य परीक्षा देना है उनके साथ हम लोग टेट सीरीज विद डिस्कशन की बात करेंगे, यानी हम मुख्य परीक्षा में स्पेशली GS 3rd पेपर, तो GS 3rd पेपर एक महत्वपूर्ण सेगमेंट है, तो इसके पेपर की बात करेंगे। साथ ही साथ GS 1st पेपर, 2nd पेपर और 4th पेपर, इनकी भी टेट सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी GS 3rd के साथ फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ मतलब एथिक्स वाला पेपर, सेकंड जैसा कि डिस्कस कर चुके हैं इंडियन पॉलिटी, गुड गवर्नेंस, ये सारे सेगमेंट जो शामिल हैं उनको डिस्कस करेंगे, और फर्स्ट पेपर में जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी बड़े बड़े सेगमेंट के फ्रेम में हैं उन पर भी हम लोग टेट सीरीज करेंगे। टेट सीरीज मतलब ये हुआ कि हम आपको डेली पेपर देंगे, उस पर आप सॉल्व करेंगे और उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि लगभग जो 1 से 1.5 महीने का वक्त है मेंस के लिए, उसमें हम लोग कम से कम 10 टेट सीरीज कर सकेंगे, और 10 टेस्ट सीरीज आप मेरे साथ कर लेंगे तो उम्मीद है आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और मुझे जहाँ तक तो उम्मीद है कि अगर ये 10 टेस्ट सीरीज अच्छे से और सीरियस होकर की जाएगी तो आप मेंस में अच्छा लिख सकेंगे। RO ARO की बात करें तो RO ARO के लिए हम लोग डेली मॉक टेस्ट कर सकेंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कर सकेंगे, और साथ ही साथ एक क्रैश स्कोर भी स्टार्ट करेंगे। ये सब नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलेगा मेरे लाइव क्लास में। यानी RO ARO के लिए हम लोग वैकल्पिक प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे, और साथ साथ एक क्रैश कोर्स करेंगे, एटलीस्ट 3 मंथ, यानी 3 महीने का एक ऐसा क्रैश कोर्स होगा जिसमें आप RO ARO के सारे सिलेबस को कवर करेंगे। वो सारी चीज़ें आपको कर्तव्य वाइस के ही प्लेटफॉर्म मिलेंगी, क्योंकि अब हम लोगों ने ई लर्निंग प्रोग्राम को शुरू कर दिया है। अगर हम लोग UPPCS प्री की बात करें तो इसमें कंबाइंड बैच जैसा कि पहले चल भी रहा था, वो कंबाइंड बैच तो जैसा कि चल रहा था काफ़ी हद तक वो कवर भी हो चुका था। कुछ सेगमेंट हैं जो बाकी थे वो एज इट इज़ चलेंगे यहाँ पर। साथ ही साथ कंबाइंड बैच में आपको अभी सारी क्लासेस लाइव ही मिलेंगी, उसमें हम लोग जल्दी ही शुरू करेंगे, इसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, और ये कंबाइंड बैच लाइव ही स्टार्ट होगा, और हम आपको डेट जल्दी ही नोटिफाइड कर देंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि आप लगातार कर्तव्य वाइस के ई लर्निंग प्रोग्राम से जुड़े रहिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिलेगी, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल होंगे, मेरा इकोनॉमिक्स या इंडियन इकोनॉमी का कोर्स कैसे आप पूरा कवर कर सकेंगे, PT वाला पोर्शन कैसे कवर कर सकेंगे, साथ ही साथ मेंस चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी, ये सबकी स्ट्रेटेजी बना ली गई है। जल्दी ही लाइव क्लास के जरिए मैं आपको इस पर डिटेल में डिस्कशन करूँगा। तो फॉर ऑनलाइन एडमिशन, यानी जो नए स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखिए अभी ऑफलाइन का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि तरह तरह की बातें हो रही हैं कि अगस्त में कोचिंग खुल जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं अब तो अक्टूबर के बाद खुलेगी, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं 15 जुलाई खुल जाएगी, लेकिन अगर हम लोग कैबिनेट मिनिस्टर पोखरियाल की बात माने तो अगस्त के पहले कोई संभावना है नहीं, और अगस्त तक जाने का मतलब ये है कि कम से कम सितंबर हो जाएगा और फिर अक्टूबर में आपके एग्ज़ाम है। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग ऑफलाइन क्लासेस की उम्मीद को थोड़ा सा छोड़ करके ऑनलाइन की तरफ आइए और अच्छे से अपनी पढ़ाई को यहाँ से स्टार्ट करिए। तो ऑनलाइन एडमिशन के लिए जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो PCS Pre 2020 के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, मेंस की क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप कोई भी इंक्वायरी लेना चाहते हैं, जैसा कि मेरा नंबर पहले से सबके पास होगा, और नहीं है तो ये नंबर आप नोट कर लीजिए, 9452974916।
6307508728, यानी इन दोनों नंबर पर जिन लोगों को ऑनलाइन तरीके से अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखना है, जिन लोगों को अच्छी तरीके से तैयारी करना है, करेंट इकोनॉमी, करेंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, जीएस थर्ड पेपर के ऑल सेगमेंट्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब से जुड़ना है, तो आप इस पर मुझको व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और इस पर हम एक लिस्ट बना करके उन सभी स्टूडेंट्स के साथ लाइव क्लासेस में रूबरू होंगे। चलिए, मुझे उम्मीद है कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी रही होगी और आप चीज़ों को अच्छे समझ चुके होंगे। तो आज से ही उठ जाइए, खड़े हो जाइए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि वैसे भी काफ़ी समय जा चुका है और समय को नष्ट मत करिए। और आने वाले 21 जून से, जैसे मैंने कहा है कि 21 जून से हम लोग अपनी लाइव क्लासेस शुरू करेंगे, जिसमें IAS की प्री क्लासेस जो होंगी वो मॉर्निंग सेशन में होंगी, PCS की प्री क्लासेस भी मॉर्निंग सेशन में होंगी, IAS की मेंस की क्लासेस यानी जीएस थर्ड पेपर की मेंस की क्लासेस इवनिंग में होंगी और PCS की मेंस क्लासेस भी कब होंगी, इवनिंग में होंगी। सारा शेड्यूल, सारा स्ट्रक्चर आपको एक दो दिन के अंदर बाय नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सभी लोग लिंक से जुड़े रहिए और नीचे जो लिंक आपको दिया गया है उसमें सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसके बावजूद कोई डाउट है या कोई क्लियरेंस आप चाहते हैं, कोई समस्या है, या जो स्टूडेंट्स पहले पढ़ रहे थे उनको कोई प्रॉब्लम है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख सकते हैं या पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए, लाइव वीडियो तक मेरा इंतज़ार करिए, तब तक के लिए हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और एक बात कहना चाहूँगा, घरों में रह करके ही पढ़ाई कीजिए, क्योंकि जब आप कोरोना से बच सकेंगे तभी एग्ज़ाम आपके लिए कोई मायने रखता है। तो अपने आप को हेल्दी रखिए। थैंक यू वेरी मच।